अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और इस बेसिक बात का ध्यान नहीं रखते हो तब तो हमेशा आपको दिक्कत होगा। करना क्या है कि जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो एक छोटी सी बात समझिए ज़रा, एकदम बहुत ही सिंपल सा बात है कि जैसे मान लो किसी भी जगह पे ये यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ, ठीक है, और आप इस बकेट में पानी लेने के लिए आते हो, इस जगह पे खड़े हो आप पानी लेने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस बकेट में पानी होगा तो आपको मिलेगा, लेकिन ज़रा सोचो अगर आपको ये बात मालूम चल जाए कि इस बकेट में जो पानी है वो कब आ रहा है, तो आप आसानी से जाके इस पानी को ले सकते हो ना। लॉजिक समझ रहे हो, आपको पता हो जाए कि इसमें पानी कब आ रहा है तो आप यहाँ जाओगे आसानी से पानी ले लोगे। अगर आपको ये पता ही नहीं कि इसमें पानी कब आ रहा है तो आप यहाँ पे 10 घंटे ही बैठे रहोगे तो आपको पानी मिलेगा नहीं ना, मिलेगा तभी ना जब यहाँ से पानी आएगा। तो बेसिक सा लॉजिक ये कहता है यहाँ पे कि कोई भी जो इंडेक्स की आप बात करते हो, इंडेक्स क्या होता है, वो ड्राइव करता है कुछ स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे जिसकी वजह से इंडेक्स चलता है। अब क्या होता है कि जब आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो वहाँ पे 3 बैंक जो होता है ना, 4 बैंक होता है, वो मिलकर मेन वेटेज देता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है जो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, स्पेशली बात करें बैंक निफ्टी का, तो हमारे लिए HDFC बैंक जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर HDFC बैंक चला तो चलेगा, नहीं चला तो नहीं चलेगा। ध्यान से देखो हमारे सामने चार्ट किसका है, कोटक का। 3 बैंक हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस 3 को हमेशा वॉचलिस्ट में बना के रखना है। 4 चार्ट देखना है, जिसमें से एक देखना हमें HDFC का चार्ट, दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना हमें ICICI बैंक का चार्ट। ये 2 सबसे हाई वेटेज है, उसके बाद बैंक निफ्टी होगा, एक कोटक का रखना है, अगर SBI का रखना है, ठीक है। ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है किस पे, वो करता है HDFC बैंक पे। ध्यान रखिएगा कि HDFC बैंक का पूरे दिन का जो चलने का हो परसेंटेज वो कितना हो, 1% के आसपास हो, यहाँ पे बढ़ना या घटना ये कितना है, 0.31% का यहाँ पे चेंज आया, तो कुछ खास चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला मेरा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारा ICICI बैंक हुआ, तो ICICI बैंक क्या हुआ, यहाँ पे खुला तो था लेकिन वहाँ से डिप मारा, फिर इसका रिकवर करके इधर गया और फिर आखिरी में इसको थोड़ा नीचे ला दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम का बिल्डअप काफ़ी तगड़ा है, तो हो सकता है कि कल ये लोग मार्केट को गैप अप भी खोल दे। तो क्या करना, एक ICICI बैंक हो गया, एक हमारा हो गया कौन सा, HDFC, ये 2 है। 2 में से कोई भी बैंक जिस दिन ये 1% के आसपास प्लस होगा या माइनस होगा तभी जाकर आपका ट्रेंडिंग मूव दिखेगा बैंक निफ्टी में। अगर ये बैंक में आपका 1% का प्लस या माइनस नहीं होगा तो ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं है तो एज ए बायर आप क्या ही कर लोगे मार्केट में, कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको इन दोनों का चार्ट है उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना कि जैसे मान लिया जाए कि आपके पास बैंक निफ्टी की चार्ट है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा एनालिसिस, ये एनालिसिस ये होता है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ठीक है। ध्यान से समझो ज़रा, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम पे वो हिस्सा जहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर होता है। जब भी आप ट्रेड करने जाते हो तो ट्रेड में क्या होता है, ध्यान से समझना ज़रा, मार्केट गया ऐसा ऊपर की तरफ, ये ऐसा ऊपर की तरफ मार्केट गया, कोई आदमी यहाँ पे खरीदने को तैयार है, कोई यहाँ पे खरीदने को तैयार है, कोई यहाँ पे खरीदने को तैयार है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे खरीदने को तैयार है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट जैसे मान लो ऊपर है या नीचे की तरफ आ गया ऐसा, तो कोई यहाँ पे बेचने को तैयार है, कोई यहाँ पे बेचने को तैयार है, कोई यहाँ पे बेचने को तैयार है, कोई यहाँ पे बेचने को तैयार है। ये बेचने और खरीदने का काम कैसे चलेगा, ये आदमी कब बेचेगा जब इसको इसके बराबर पैसे मिलेगा, ये कब बेचेगा जब इसको इसके बराबर पैसे मिलेगा, ये कब बेचेगा जब इसको बराबर पैसे मिलेगा। मान लो कोई खरीदने वाला आया, वो इसको खरीदा और सीधा इसको खरीद लिया, तो ये जो इंसान जो बेचने के लिए बैठा हुआ था इसका तो ऑर्डर रह गया ना खाली, उसी तरीके से मतलब हाँ, और नीचे की तरफ आया ये मात गिर रहा था जिधर, तो यहाँ भी खरीदने वाले होंगे और बेचने वाले होंगे, तो कुछ लोग होंगे जिनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया, जैसे यहाँ पे मार्केट उसका सीधे इसके पास पहुँच गया, तो जो खरीदने बेचने का काम है यहाँ पे हो गया, यहाँ से आ गए नीचे की तरफ, तो ये खरीदने बेचने का काम यहाँ पे हो गया, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, बचा रह गया। तो जो ऑर्डर बचा रह जाता है ना उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, तो यहाँ के लैंग्वेज में उस बचे हुए ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग गैप बोला करते हैं, समझ में आ गई बात, दैट इज़ कॉल्ड गैप। तो गैप जो होता है ना ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ट्रैक करना और इसको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, इसका रेलिवेंस हमारे ट्रेड के लिए इस बात को समझेंगे। जैसे बैंक निफ्टी का खुला हमारा मार्केट, तो मार्केट जो खुला ना यहाँ पे 2 गैप था, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम पे होता है, एक निकालना पड़ता है, तो एक हमारा गैप यहाँ पे था इस जगह पे, और दूसरा गैप कहाँ था, यहाँ पे था। इस गैप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब पिछली बार मार्केट नीचे की तरफ गया था तो मार्केट अचानक से चला गया था नीचे, और ये वाला जो हिस्सा दिया था इसको वो जंप करके नीचे चला गया था, ठीक है। एक यहाँ पे भी गैप है हायर टाइम फ्रेम पे, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक गैप था छोटा सा बचा हुआ था। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो लोग का अनफिल ऑर्डर था, यहाँ पे जो लोग नहीं बेच पाए थे उस समय मार्केट अचानक से नीचे चला गया, तो लोग इंतजार करते थे, मान लो ना कि कोई 20 रुपये बेचना चाह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दाम चला था कितना था उस समय, मान लो कि लेट से 22 पे था, ये सोचा था कि 20 ही बेच लेंगे,
लेकिन अचानक से 22 रुपये से कीमत कितना हो गया 16 रुपये पे, तो ये लोग जो 20 रुपये बेचना नहीं चाहे, अब फिर दाम घट के कितना हो गया 10 रुपये हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन दाम बढ़ते 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 गया, यहाँ 20 रुपये पहुँचा। जैसे ही 20 रुपये पर दाम पहुँचा तो ये जो 20 रुपये में बेचना चाह रहे थे वो लोग तो तैयार हो गए ना, मौका मिला इनको बेचने का, तो खट से क्या करेंगे, इसको बेच देंगे और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पर बहुत सारा जो ऑर्डर लगा हुआ था, ये ऑर्डर यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये लोग अपना ऑर्डर यहाँ पर तुरंत में सेट करके रखे थे बेचने का, मार्केट को खट से यहाँ पर गिरा दिया। अब इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो कि आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए, और जब प्री मार्केट होता है उसमें हमको पता होता है कि मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है। अगर मार्केट ओपन मेरा फेयर वैल्यू गैप के पास हो रहा है एकदम मिडिल में, जैसे फेयर वैल्यू गैप हुआ ना तो इसके बीचों बीच वाला पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पे जैसे एक बार मार्केट जाता है तो एक बार इसको क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग। तो ये भी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट खुला और वहाँ के बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया और कहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ ही आ गया। नीचे में आ गया तब दूसरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बैठा हुआ इस जगह पे। अब इस फेयर वैल्यू गैप में देखो एग्जैक्टली इसी जगह से टकराया और यहीं से वापस की तरफ वो रिबाउंड करके इसी जोन में रह गया। अब तब तक आपको ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा जब तक कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के नीचे नहीं चला जाए, या फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ना चला जाए। बहुत ही परफेक्ट काम करता है, मतलब हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इस बात को अच्छे समझोगे ना, पूरा का पूरा जो मार्केट होता है उसमें दो लोग, दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता बेचने वाला, एक होता खरीदने वाला। बेचने वाला जहाँ पे बेचना चाह रहा है, खरीदने वाला जहाँ पे खरीदना चाह रहा है, और ट्रांजेक्शन तो होना ही है इसमें। कुछ लोग का ट्रांजेक्शन हो पाता है, कुछ लोग बेच खरीद पाते हैं, कुछ लोग का नहीं हो जाता। जिनका नहीं बिकता है या खरीदते हैं उन्हीं का हो जाता है अनफिल्ड ऑर्डर हो जाता है, और वही एक गैप की तरह काम करता है जिसको मार्केट सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करता है। तो अगली बार जो स्ट्रॉन्ग मूव अगर कुछ इसमें एक्सपेक्ट करते हो तो उसमें ये जो जोन होता है इस क्लस्टर को, इसको तोड़ना पड़ेगा 48,450 के ऊपर में। नीचे जाने के लिए जो 47,900 है और 47,700 इसके बीच का जो जोन है ना, इसमें तो साइडवेज ही चलेगा, और इस 47,700 को तोड़ के नीचे जाएगा तो आपको अच्छा सा मूवमेंट दिखेगा, इसके बीच में स्लो स्लो ही मूवमेंट दिखेगा। और अपसाइड के लिए तो आपको इसका 48,450 का जो लेवल है तोड़ना पड़ेगा, और ये अभी के आसपास में ट्रेड कर रहा है, कुछ वही 48,150 के आसपास में कर रहा है। तो ये गैप जो होता है ना काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गैप, लॉजिक को जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो, जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। और यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो ये भी आप बता देना, सो अगली बार और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है, और इस गैप थ्योरी कैसा लगा इसे आप बताइएगा जरूर। बाय बाय।